हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इजर्नर्स। यहां पर आपको सारी की सारी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प हो सके। हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस लॉज, जो कि हमारे बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, और ये फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू सिलेबस का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखो बिजनेस लॉज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम जानेंगे लॉ क्या होता है। लॉ बनने से पहले ज़रूरत होती है कि आप एक प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आ जाए या सिचुएशन आ जाए, उसके लिए हम लॉ बनाते हैं। तो उसके लिए पहले रूल्स बनते हैं, फिर उन रूल्स को पार्लियामेंट पास करती है, तब जाके वो एक्ट बनता है। ठीक है, और फिर वो उस कंट्री में जहाँ पे भी, जहाँ के लिए वो बना है, वहाँ पे वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लागू होता है। ठीक है, वैसे ही हमारा बिजनेस लॉज बना है। ठीक है, उसकी भी नीड पड़ी होगी, जो जो हमारे एक्ट है उनकी पहले नीड पड़ी है, प्रॉब्लम होती हुई थी, तब जाके वो एक्ट बना है। वैसे ही हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हमारे जब कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे फ्रॉड्स होने लगे, तब गवर्नमेंट को उसकी नीड पड़ी कि कुछ रूल्स होने चाहिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी, तो उन्होंने फिर रूल्स बनाए, और फिर उन रूल्स को पार्लियामेंट में पास होने के बाद वो हमारा एक्ट बन गया, और उस एक्ट का नाम पड़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था ये। ठीक है, अब कोई भी एक्ट होता है तो सबसे पहले उसका जो फर्स्ट सेक्शन होता है, उस फर्स्ट सेक्शन में उसके बेसिक चीज़ें बताई जाती है, लाइक उस एक्ट का नाम क्या है, वो कब बना है, ठीक है, और कहाँ कहाँ वो लागू होता है। ठीक है, तो वो उस फर्स्ट सेक्शन में बताया जाता है। तो वैसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के फर्स्ट सेक्शन में बताया गया है कि इसका नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और ये बना था हमारा 1 सितंबर 1872 में, और ये पूरे इंडिया में लागू होता है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट सेक्शन में है। फिर उसके बाद ये जो हमारा एक्ट है वो किसने पास किया था, ब्रिटिश इंडिया ने पास किया था, मतलब कि हमारा जब ब्रिटिशर्स राज करते थे हमारे इंडिया में, तब का ये एक्ट बना हुआ है। ठीक है, और फिर अगर उसके बाद अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसी केस आ गया, कुछ ऐसा केस आ गया जो कि उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसके उसके लिए उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो वो हम कहाँ से लेंगे, वो फिर जो केस होगा उसको सॉल्व करने के लिए हम इंग्लिश कॉमन लॉ के प्रिंसिपल पे जाएंगे, वहाँ से हम इंग्लिश कॉमन लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम उस केस पे लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारा एक्ट का सेक्शन टू क्या होता है। सेक्शन टू में हमारे कुछ डेफिनेशंस गिवन होते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन हमारे अदर सेक्शन में भी गिवन होते हैं, बट ऐसा क्यों, सेक्शन टू क्यों अलग है, क्योंकि जो हमारे जो सेक्शन टू के जो डेफिनेशंस होते हैं वो हमारे पूरे के पूरे एक्ट में लागू होने हैं। ठीक है, उस पूरे एक्ट में वो जो डेफिनेशंस में लिखी होंगी वो पूरे एक्ट में सेम रहेंगी, पर जो अदर सेक्शन टू के अलावा अदर सेक्शन में जो डेफिनेशंस लिखी होती हैं वो डेफिनेशन सिर्फ उस टाइम के लिए उस चैप्टर पे अप्लाई होनी है। ठीक है, इसीलिए हमारे जो सेक्शन टू के डेफिनेशंस हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सेक्शन टू में हम ये जानेंगे कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसमें क्या जरूरी है, एक अग्रीमेंट जरूरी है। ये जो फर्स्ट लाइन में लिखा है, फर्स्ट लाइन में ये जो लिखा है, एक अग्रीमेंट जरूरी है और उस पर एक लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, तो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अग्रीमेंट कैसे बनता है, सबसे पहले ना अग्रीमेंट होनी चाहिए और एक लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए उसमें। तो सबसे पहले अग्रीमेंट कैसे बनता है, तो देखो एक जैसे एक पर्सन ए है, ठीक है, वो पर्सन ए अपने अपने पर्सन बी के पास गया, ठीक है, और उसने बोला कि मैं अपना साइकिल बेचना चाहता हूँ, ठीक है, क्या तुम उसको खरीदोगे, तुम्हारे लिए मैं अपना साइकिल बेचना चाहता हूँ। तो वो वहां पे क्या कर रहा है, वो अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है क्या, अपना सामान बेचने की, ठीक है, और फिर उसके बाद वो कह रहा है क्या तुम उसे खरीदना चाहोगे, तो मतलब क्या कि वो चाहता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसकी मंजूरी दे दे। ठीक है, जो पर्सन ए है वो पर्सन बी से कह रहा है कि मैं मुझे अपनी साइकिल बेचनी है, तो वो क्या पे एक काम करने की विलिंगनेस दिखा रहा है, वो बेचने का काम करना चाहता है,
किसको, बी को, ठीक है। और वो ये चाहता है कि जो बी है वो उस पर अपनी असेंट दे दे। तो सेक्शन टू ए हमारा कहता है कि सबसे पहले प्रपोजल होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, उसमें व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और अब्सटेनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है कुछ काम करने की या कुछ काम ना करने की, ठीक है, जिससे वो ये चाह रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है वो अपनी मंजूरी दे दे, तो उसको हम कहते हैं प्रपोजल, एक प्रपोजल बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन टू बी, जब वो प्रपोजल, जब सामने वाला पर्सन जिससे वो कह रहा है वो अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो जो प्रपोजल था, जो पर्सन ए बना रहा था अपना प्रपोजल, वो उसका प्रॉमिस हो गया, कि पर्सन ए का प्रॉमिस बन गया कि अब वो उसको काम करना है वो, ठीक है। फिर सेक्शन टू सी, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। तो जो प्रपोजल दे रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है, वो हो गया प्रोमिसर, जो प्रपोजल बना रहा है। पर्सन ए हमारे यहाँ पे प्रोमिसर है, और जिसने एक्सेप्ट दिया है, एक्सेप्टेंस दी है, वो हमारा प्रोमिसी है। लाइक जैसे हम पहले 11 12 में जान के आए हैं कि जो कोई काम करता है उसके आगे ओआर लग जाता है, और जो उस चीज को जिसके लिए करा जाता है वो ई डबल ई लग जाता है। जैसे इंडोर्सर एंड इंडोर्सी हम 11 12 में पढ़ के आए हैं कि जो इंडोर्सर, जो इंडोर्स कर रहा है वो इंडोर्सर, और जिसके लिए किया जा रहा है वो इंडोर्सी, ठीक है। वैसे ही हमारा प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। देन सेक्शन टू डी है हमारा कंसिडरेशन। अब देखो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक जना प्रॉमिस कर रहा है और दूसरा उस पर एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो वो उसके लिए प्रॉमिस किया जा रहा है। अब कंसिडरेशन में है कि जिसके लिए प्रॉमिसी है, देखो प्रॉमिसी जिसने एक्सेप्टेंस दी, अब वो कर रहा है क्या, जो पर्सन बी है उसने क्या बोला, देखो उसने क्या बोला था, पर्सन ए ने बोला था मैं अपनी साइकिल बेचूंगा पर्सन बी को, ठीक है, पर्सन बी के लिए वो अपनी साइकिल बेच रहा था। तो अब पर्सन बी क्या बोलेगा, ठीक है तो मुझे अपनी साइकिल बेच रहे हो, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी कि मैं हाँ तुम्हारी साइकिल खरीदूंगा, अब वो खरीदेगा ये बोला है उसने, और इस किस अमाउंट पे खरीदेगा वो जब वो बता देगा, तो वो क्या कह रहा है, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर के कहने, मतलब प्रोमिसर के चाहने पे जितनी अमाउंट प्रोमिसर चाहेगा उतनी अमाउंट वो देने के लिए कर रहा है, वो कुछ काम उतने जितना जो प्रोमिसर चाह रहा है उसके बदले में, उसके प्रपोजल के बदले में वो कुछ काम कर रहा है, तो वो उस पर वो कंसिडरेशन दे रहा है। मतलब एक प्रोमिस के बदले में दूसरा प्रोमिस, वो होता है हमारा कंसिडरेशन। अब जो हमारा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टर जो था, जो एक्सेप्टेंस दे रहा था, वो अब कुछ कंसिडरेशन दे रहा है, वो अब प्रोमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारे उस काम के बदले कुछ एक काम करूंगा या फिर कुछ एक काम नहीं करूंगा, तो वो हमारा कंसिडरेशन फॉर द प्रपोजल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें था, हमने जाना कि कोई एक काम करने की विलिंगनेस दिखा रहा है और एक कोई काम नहीं करने की विलिंगनेस दिखा रहा है। तो एक काम यहाँ पे उसकी जो एक काम करने की विलिंगनेस थी वो समझ आ गई। अब जो एक काम ना करने की जो विलिंगनेस है वो क्या है, लाइक जैसे जो कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, ठीक है, हमारा एक मार्केट में स्वीट शॉप है, ठीक है, और उसी के सामने एक और स्वीट शॉप दूसरा पर्सन खोल रहा है, तो जो वो पर्सन पहले से जो एक शॉप लाइक एक स्वीट शॉप का नाम हमने कह लिया हैप्पी स्वीट शॉप, ठीक है, उसके आगे एक पर्सन है जो कि सार स्वीट शॉप खोल रहा है, ठीक है। तो जो हैप्पी स्वीट शॉप वाला होगा वो सार स्वीट शॉप वाले ओनर से बोलेगा कि तुम अपनी यहाँ पे दुकान मत खोलो, तो वो क्या हो रहा है कि ना काम करने का बता रहा है, ये काम तुम मत करो, वो काम वो पहले से कर रहा है पर ये काम तुम मत करो, ये वो ऑफर उसको प्रपोजल दे रहा है कि तुम ये काम मत करो, इसके बदले में मैं तुम्हें पे करूंगा कुछ अमाउंट, 5 लाख 10 लाख मैं तुम्हें पे करूंगा, तुम अपनी दुकान यहाँ पे मत खोलो। तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक काम ना करने के वो के लिए कुछ पैसे दे रहा है, ठीक है, उसने प्रपोजल किया कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। अब उसके ऊपर जो सार स्वीट शॉप वाला है वो उस पर एक्सेप्टेंस देगा, अब वो एक्सेप्टेंस देने के बाद वो क्या बोलेगा कि तुम
एक्सेप्टेंस देगा और कहेगा कि ठीक है मैं अपनी दुकान यहाँ नहीं खोलूंगा, तो कोई काम ना करने की विलिंगनेस वो वहां पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था एब्सटिनेंस टू डू सच एक्ट का मीनिंग। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पे प्रपोजल हो गया, उस पे प्रॉमिस, वो प्रॉमिस बन गया, उस प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस हो गई। हाँ, प्रपोजल ऑफर, यहाँ पे पहले एक पर्सन ने ऑफर दिया, फिर उस पे उसने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद उसने कंसिडरेशन भी दे दी। देन अब जब ये चार, ये तीनों चीजें हो जाती है, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, उस पे कंसिडरेशन हो गई, तो ये हमारा अग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बना रहे हैं, तो वो हमारा अग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, अब फिर जब ये अग्रीमेंट बन गया है, तब देखो अग्रीमेंट में हमारे क्या रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो रही है, एक प्रॉमिस के बदले में दूसरा एक कंसिडरेशन दे रहा है, तो वो हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी हम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अग्रीमेंट बनने के बाद, देखो अग्रीमेंट बनने के बाद अगर वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, कि लॉ ने मंजूरी दे दी है कि ये अग्रीमेंट हम लागू कर सकते हैं, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और अगर वो अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ है, कि लॉ ने मना कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो क्या हो जाएगा, वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड मतलब एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता, तो वो हमारा वॉइड अग्रीमेंट होगा। जो चीज, जो भी अग्रीमेंट हमारा अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ है, वो हमारा वॉइड अग्रीमेंट है, और अगर वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये एनफोर्सिएबिलिटी ऑफ बाय लॉ क्या है, कि यहाँ पे कि लॉ ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना हमारा मंजूरी दे दिया है, तुम ये नहीं कि इलीगल है, अगर वो अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो इलीगल है, ये जरूरी नहीं है, पर अगर वो इलीगल है तो वो अनएनफोर्सिएबल होगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा सेक्शन 2I, जिसमें हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट जो पहले बन चुका है, ठीक है, अब वो उसमें कोई एक पार्टी थी जिसने फ्रॉड किया, या फिर कोई मिस्टेक कर दी, या मिस रिप्रेजेंटेशन की है, या कोई दबाव में उसको ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, तो क्या होता है कि वो एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी वो वॉइडेबल होता है, कि एक पर्सन को, जो सफरिंग पार्टी है, जिसको, जिसने अपने फुल फेथ में जो अग्रीमेंट बनाया था, या फिर उसके उसको दाब दबाव देके वो अग्रीमेंट बनवाया गया था, तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहो तो ये अग्रीमेंट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पूरा वॉइड कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, या फिर आप अगर चाहो तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, एज इट इज, जैसे पहले चलना था वैसे ही चलेगा, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। द अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और अगर वो जो कहती है, वो पार्टी कहती है कि अगर मैं उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना चाहता हूँ, तो वो वॉइड हो जाएगा, और अगर उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है, तो वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, फिर तो उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कि पहले वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ था, बट उसकी एग्जिस्टेंस आने पे वो अनइन्फोर्सिबल, उसके बाद एग्जिस्टेंस आने से और परफॉर्मेंस के टाइम जब ड्यू हो रहा था, परफॉर्मेंस ड्यू हो रहा था, उस ड्यूरेशन के बीच में कभी भी वो अनइन्फोर्सिबल बाय लॉ हो गया। लाइक एग्जाम्पल, लाइक हमारे जो चाइना, अभी जो कोरोना आया था, उस टाइम से, उससे पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो चाइना, कोई इंडियन पार्टी का, मतलब इंडियन कंट्री सिटीजन का किसी चाइना वाले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, ठीक है, तो उससे पहले, कोरोना आने से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो तो उस टाइम पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो बन गया। ठीक है, बट कोरोना आने के बाद क्या हुआ, कि हमारी जो चाइना है वो हमारी एलियन कंट्री बन गई, हमारी उसके साथ वॉर वगैरह चल गई, है ना, तो उसके बाद जो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो हमारा अनइन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा, क्योंकि अब वो हमारी
अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट करती है हमारी वॉर, उसके साथ वॉर चल रही है, एलियन कंट्री है वो हमारी, है ना। तो अब उसके साथ जो कॉन्टैक्ट है वो अनइंफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ थे जब वो बन रहे थे, पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिससे वो उसकी अनफोर्सेबल बाय लॉ हमारा नहीं रहा, तो वो हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। आया समझ? सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक अग्रीमेंट होना चाहिए, और अग्रीमेंट में हमें क्या चाहिए, ऑफर चाहिए, और उसके पास एक्सेप्टेंस चाहिए, और उसके बाद उसमें कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा अग्रीमेंट बनता है। अब अग्रीमेंट बनने के बाद उसमें एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ लग जाए तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। इसमें अग्रीमेंट पे वैसे क्वेश्चन तो बहुत ही, अगर आना होगा तो वो एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा एक पार्ट है, तो इसमें तो क्वेश्चन नहीं आएगा, पर हाँ ये जरूरी है, जानना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है वो आगे, अभी तो हमने सिर्फ अग्रीमेंट पढ़ा है, तो आगे ना उसपे हम ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर देखो 5 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स का होगा, अगर 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें भी हमारे पार्ट्स होते हैं 7 एंड 6 का, मतलब हाँ 7 एंड 8 का पार्ट पार्ट होता है, या फिर एमसीक्यूज वाला एक पहला क्वेश्चन होता है जो एमसीक्यूज का होता है, तो वो तुम बाद में जब क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पे होंगे बहुत सारी वीडियोस, तो उस पे तुम रेफर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी, हमने ये जो इतना सारा पढ़ा उसमें हमने कुछ चीजें हमारी जानी कि पहला हमें कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले हमारी 2 पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है। एक ही जना अपने आप से खुद से प्रपोजल बना के, खुद से एक्सेप्टेंस देके, खुद से कंसिडरेशन लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। 2 पार्टी होनी चाहिए हमारे पास, कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए, ज्यादा कितनी भी हो सकती, ठीक है। एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। देन उसके बाद एक अग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड एन ऑब्लिगेशन, कि वहां पे कि ऑब्लिगेशन होना चाहिए, और वो ऑब्लिगेशन मतलब ऑब्लिगेशन क्या, कि एक दूसरे के लिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑब्लिगेशन है। अब देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल ऑब्लिगेशन डू नॉट कंस्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट, कि सारे के सारे ऑब्लिगेशन हमारे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करते हैं। हमारे ऑब्लिगेशन में हमारी 3 टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन होती है। पहली सोशल ऑब्लिगेशन, डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन एंड कमर्शियल ऑब्लिगेशन। सोशल सोशल देखो सोशल ऑब्लिगेशन और डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन लगभग लगभग सेम है। जैसे हम घर पे मम्मी पापा से कहते हैं, पापा पापा मुझे ये चीज चाहिए, आप मुझे ये दिला दो, तो वहां पे वो क्या है, जो पापा कह रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हें दिला दूंगा, तो वो अपनी डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हैं। अगर कोई सोशल ऑब्लिगेशन और डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन जब तक वो रिटर्न फॉर्म नहीं करती है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करती है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करती है, क्योंकि हम सोशली और डोमेस्टिकली हम ढेरों दिन में ढेरों ऑब्लिगेशन हम रखते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करती है, और वहाँ पे कोई लीगल केस नहीं होता है। लाइक अगर कोई एक हस्बैंड अपनी वाइफ से प्रॉमिस करे कि भाग्यवान आज मैं तुम्हें एक ज्वेलरी गिफ्ट करूंगा, ठीक है, तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुम्हें एक ज्वेलरी गिफ्ट करूंगा, तो वो वहाँ पे एक डोमेस्टिकली ऑब्लिगेशन लगा रहा है। वो अगर फिर बर्थडे आने पे हस्बैंड अगर भूल गया कि उसका आज बर्थडे है, या फिर उसने मना कर दिया, नहीं मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो जो वाइफ है वो जाके कोर्ट में केस नहीं कर सकती कि इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, अब तुम मुझे वो चाहिए चाहिए, वो केस नहीं कर सकती उसके खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ, क्योंकि वो वहां पे वो उसकी डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन थी, वो कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल ऑब्लिगेशन नहीं थी। सिर्फ एक कमर्शियल ऑब्लिगेशन है कि अगर वो रिटर्न में हो या ओरली हो, तभी हम वहां पे उसको कॉन्ट्रैक्ट को केस कर सकते हैं, चाहे वो रिटर्न में हो या ओरल हो।
पर सोशल एंड डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन वाली कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को हम एज अ कॉन्ट्रैक्ट हम केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे रिटर्न में, जब तक वो हमारे रिटर्न में ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, एक ऑब्लिगेशन के साथ साथ होता है कि वो वहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन से क्या होता है कि जब कोई एक कमर्शियल ऑब्लिगेशन देता है तो वहाँ पे एक लीगल इंटेंशन बनाता है, वो दोनों ही पार्टी एक इंटेंशन के साथ से एक साथ आते हैं कि वहाँ पे अगर वो उस काम को ना कर पाए तो वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। और वो वहाँ पे जब ऑफर बनाने आता है, कोई एक पर्सन जो प्रपोजल देने आता है, वो इस इंटेंशन से भी आता है कि वो सामने वाला मुझे एक्सेप्टेंस दे, और वो सामने वाला भी एक्सेप्टेंस उस इंटेंशन से देता है कि ये जो पर्सन है वो मेरे को काम करके देगा, ठीक है। तो वहां पे एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है, तो वो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट। तो देखो, हमने ऊपर पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसको सबसे पहले एक अग्रीमेंट होना चाहिए, है ना। तो हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले अग्रीमेंट होना चाहिए, तो मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले अग्रीमेंट थे ही थे, है ना। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले एक अग्रीमेंट था, तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, ये तो हमने जान लिया। फिर उसके बाद ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, अग्रीमेंट बनता है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, एनफोर्सेबल बाय लॉ देखते हैं। अगर वो एनफोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो एनफोर्सेबल नहीं है तो अग्रीमेंट है, ठीक है, तो वो वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। तो मतलब कि हमारा जो अग्रीमेंट था वो हर अग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, किसकी वजह से, एनफोर्सेबल बाय लॉ की वजह से। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी हमने जान ली कि ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, आया समझ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको अपडेट मिल सके। मैं जल्दी ही बहुत सारी वीडियोस डालूंगी, सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे हम। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लेना।